हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीआईक्यू फॉर्म के बारे में, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर के बारे में। तो ये जो फॉर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको आज बताएंगे और किस तरह से आपने फिल करना है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी में अपीयर हो रहे हो, आप स्क्रीन आउट हुए थे या फिर आप नॉट रिकमेंड हुए थे, यानी कि आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, तो भी इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि यहाँ से हम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीआईक्यू फॉर्म की इम्पोर्टेंस की, कि पीआईक्यू फॉर्म जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर है, ये भरा क्यों जाएगा और इसका आपको ज़्यादा अच्छे से भरने का बेनिफिट क्या मिलेगा। तो ये जो है ये फॉर्म आपसे भरवाया जाता है, जब भी आप एसएसबी सेंटर में जाओगे फर्स्ट डे तो आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे एंड देन सबसे पहले आपका पीआईक्यू फॉर्म भरा जाता है। इसमें वो ये देखते हैं कि आप अपने बारे में किस तरह से डिस्क्राइब करते हो, अपने अपने बारे में लिखना होता है, अपनी फैमिली के बारे में लिखना होता है और जस्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा इसमें कुछ आपने नहीं लिखना है। और आपकी मेमोरी कितनी है, लास्ट टाइम अगर आप एसएसबी में प्रिपेयर हुए थे तो क्या आपने याद रखा है उसमें से। जैसे कई स्टूडेंट वहाँ पर पूछने लगते हैं कि मुझे अपना बैच नंबर याद नहीं है या कुछ भी इस तरह से चेस्ट नंबर याद नहीं है, तो वो एक थोड़ा नेगेटिविटी शो होती है कि आपको जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, आपको याद ही नहीं है, तो मतलब आप इतने सीरियस नहीं हो इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हर चीज़ के बारे में जो भी आपने याद रखनी है। अब जो मेन जो पीआईक्यू फॉर्म का जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिस दिन आपका फोर्थ डे, यानी कि एसएसबी में 5 डे प्रोसीजर में फोर्थ डे आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके माइंड में हर टाइम रहता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे क्या जाएंगे, इंटरव्यू में कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, ये सारा आपके माइंड में रहता है। तो इसके लिए मैं क्लियर कर दूँ आपको कि पीआईक्यू फॉर्म जो आपने भरा है उससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जिस दिन आप इंटरव्यू देते हो फोर्थ डे, उस दिन उनके सामने आपका पीआईक्यू फॉर्म रखा होता है, उसमें से वो चेक करते हैं। जैसे आपने कोई अपनी हॉबी लिखी है तो हॉबी भी आपने सोच समझकर भरनी है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है उसको भर दिया हॉबी, तो वो भी सोच समझकर भरना होता है। रीडिंग बुक लिख दिया तो वो उस चीज़ पर इतने क्वेश्चन उठाएंगे, इतना डीपली क्वेश्चन उठाएंगे कि शायद आप सोचोगे कि हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता था, बाद में सोचो। तो आपने पहले से प्रिपेयर होके जाना है। अगर आप कोई गेम लिख रहे हो हॉबी में तो उस गेम का बेस्ट क्या कब रहा, उस गेम स्टार्ट कब हुई, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने होते हैं। सेकेंड, वो क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं, जैसे अगर आप किसी, जैसे आपने 10th 12th का अपना यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर जो भी लिखना है कि इतने मार्क्स आए, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर चुके हो तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। यानी कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो कहीं उठपटांग क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन बिल्कुल सोच समझ कर पूछते हैं, तो आपने प्रिपेयर भी उस तरह से होना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से, कि वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से पीआईक्यू फॉर्म भरना है और कौन कौन सी चीज़ें जो आपने क्लियर रख कर जाना है एसएसबी में, क्योंकि वहाँ पर जब हम अपने सर्टिफिकेट उठाकर ढूंढने लगते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम आपको दिया जाता है पीआईक्यू फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इतना भी नहीं दिया जाता है कि हर चीज़ आप देख देख कर लिखो, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं कोई ना कोई नया स्टडी मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। पीआईक्यू फॉर्म में आपको सबसे पहले मिल जाएगा यहाँ पर कॉलम सिलेक्शन बोर्ड नंबर का। ये जो है, मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको, हर एसएसबी सेंटर का अपना अलग पीआईक्यू फॉर्म होता है। तो ये जो हमने बनाया ये है लगभग कॉमन, यानी कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं यही होती हैं हर अपने एसएसबी सेंटर में, हर एक जगह पर यही चीज़ें होती हैं। तो हमने यहाँ पर हर चीज़ को कवर किया है जो भी डिफरेंट डिफरेंट एसएसबी सेंटर वाले पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने भरना है सिलेक्शन बोर्ड नंबर, यानी कि जिस भी बोर्ड में आप जा रहे हो उसका आपने बोर्ड नंबर भरना है। फॉर एग्जांपल, ये कहाँ मिलेगा आपको, जब भी आप एडमिट कार्ड निकलवाओगे तो उस पर लिखा होता है, सबसे पहले उसमें यही लिखा होगा, फॉर एग्जांपल AFSB 1, AFSB 2, इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा छोटा करके लिखा होगा उन्होंने और ब्लॉक लेटर में, तो वो आपको मिल जाएगा अपने एडमिट कार्ड में। नेक्स्ट है सिटी। अब ये सिटी आपने अपनी सिटी नहीं भरनी है, ये सिटी भरनी है जहाँ पर आप एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे हो। नेक्स्ट है यूपीएससी रोल नंबर। तो यूपीएससी रोल नंबर तो आपको पता ही होगा क्योंकि रोल नंबर पर ही आपका रिजल्ट आया हुआ है। तो उसके बाद एंट्री, कि एंट्री कौन सी है। अब एंट्री किस तरह से होगी, जैसे आप जा रहे हो एफकेट एंट्री से, आप जा रहे हो सीडीएस एंट्री से, एनडीए एंट्री से, या फिर एसएससी से, या फिर
टेक्निकल एंट्री से काफ़ी सारी एंट्रीज होती हैं ऑफिसर लाइन ज्वाइन करने के लिए, तो किसी भी एंट्री से आप जा सकते हो। तो आपने एंट्री लिखनी है कि किस एंट्री से अपीयर हो रहे हो। बैच नंबर कौन सा है आपका, बैच नंबर किस तरह से पता लगेगा आपको, जैसे जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो किस तरह से निकलती है, FCAT 1 2017, FCAT 2 2017, या फिर CDS 1 2017, CDS 2 2017। तो ये CDS 2 2017 है या NDA 2 2017 है, ये बैच नंबर ही होता है। जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उन्होंने सबसे ऊपर यही लिखा होता है कि कौन सा बैच है, ये कौन सा बैच हम बिठा रहे हैं। फिर है चेस्ट नंबर, तो चेस्ट नंबर आपको जस्ट अभी उस टाइम 10 मिनट पहले ही मिला होता है, आपके लगाया होता है उन्होंने चेस्ट नंबर, तो ये बिल्कुल सिंपल वहाँ पर मिल जाएगा। एंड चॉइस ऑफ सर्विस की, जैसे कुछ एंट्रीज इस तरह से होती हैं कि वहाँ पर चॉइसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप CDS एंट्री से जा रहे हो तो चॉइस होती है कि आपने आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या नेवी में जाना है, या फिर OTA में जाना है। FCAT से जा रहे हो तो आपको चॉइसेस होती हैं कि आपने ग्राउंड ड्यूटी में जाना है, फिर आपने फ्लाइंग ब्रांच में जाना है या टेक्निकल ब्रांच में जाना है, वो आपके पास चॉइसेस होती हैं। ठीक है, NDA में जाना है तो फिर से वही चॉइसेस होती हैं कि आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या फिर OTA में जाना है। तो उस तरह की चॉइसेस आपने यहाँ पर लिखनी होती हैं कि आपकी चॉइस क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं आप। फिर है पर्सनल एंड फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो सबसे पहले आएगा नेम, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाए, हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताएंगे। नेम जो है अपने ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो सभी को याद ही होती है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखना है आपने कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज जरूर कैलकुलेट कर लेनी है कि आप कितने साल के हो गए हो। जो ये कॉलम है, 9th कॉलम है, जो एज, ईयर्स, मंथ, ये जो है कि जिस दिन आप SSB में अपीयर हो रहे हो उस दिन आप कितने साल के हो जाओगे, जैसे 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, फिर कितने मंथ के हो जाओगे, ये सारा आपने, एंड डेज कितने होंगे, तो ये आपने जरूर भरना है वहां पर। इसको थोड़ा कैलकुलेट करके जाइएगा पहले ही कि आपका अगर जैसे 10 तारीख को आपका SSB स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उस तारीख को आप कितने साल के हो जाओगे, वो आपने कैलकुलेट करके जाना है। नेक्स्ट है हाइट, हाइट भी आप कैलकुलेट करके जरूर जाइएगा कि हाइट आपकी सेंटीमीटर में कितनी, क्योंकि हमें अपनी हाइट होती है पता, जैसे 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 10 इंच, इस तरह से पता होती है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में वहां पर फिर कैलकुलेट करने लगते हैं कि 1 फुट में इतने सेंटीमीटर आएंगे, तो उस तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले से ही कैलकुलेट करके जाना है सेंटीमीटर्स में। फिर है वेट, तो वेट के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे आपका SSB आ रहा है तो 2 3 दिन पहले आप अपना वेट करवा कर ही जाइए कि आपका वेट कितना है अप्रोक्सीमेट, और यहां पर आपने SSB में जाने से पहले अपने आपको इतना फिट जरूर कर लेना है कि आपका जो वेट हो वो हाइट के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि आपकी हाइट है 6 फुट और वेट है 120 केजी, या फिर हाइट है 6 फुट और वेट है 30 केजी, तो वो थोड़ा लगभग वहीं पर रिजेक्शन के चांसेस हैं। वेट के अकॉर्डिंग जो है, हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5'8" हाइट की बात करें तो 60 केजी आपका बॉयज का होना चाहिए और 55 तक जो है गर्ल्स का होना चाहिए, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। तो मैरिटल स्टेटस मैक्सिमम अनमैरिड ही होता है जो डिफेंस सर्विसेज में है, लेकिन आप UPSC की अदर एंट्रीज में जा रहे हो सकता है आप मैरिड हो, सिंगल हो, या विडोर हो, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपने यहाँ लिखना है। फिर रिलीजन आता है, तो रिलीजन आपका हिंदुज्म हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, इस्लाम या सिख, जो भी है वो आपने भरना है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर में यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। फिर मदर टंग क्या है आपकी, यानी कि मातृभाषा क्या है, वो आपने भरना है यहाँ पर। तो मैक्सिमम लोगों की हिंदी ही होती है, लेकिन कुछ हैं जैसे आप बोल सकते हो कि तमिल है, पंजाबी है, उस तरह से उर्दू है, कुछ भी जो भी है आपकी मदर टंग जो भी है। कम्युनिटी जनरल, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कास्ट है वो आपने यहाँ पर भरनी है। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, यानी कि आपने अपना पूरा एड्रेस भरना है यहाँ पर। और ये जरूर याद रखना है कि आपने जहाँ भी आपका सिटी है, सिटी, स्टेट एंड विलेज, इन तीनों का आपने पॉपुलेशन फाइंड करके जाना है। हो सकता है वो कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर आपसे। अगर सिटी का पूछते हैं तो आपने सिटी भरना है, आपका स्टेट से पूछते हैं तो स्टेट का भरना है आपने, और वो अगर आपके विलेज का पूछते हैं तो विलेज का भरना है यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका सेम है तो आपने यहाँ पर सेम लिख देना है, अगर जो है डिफरेंट है तो आप पूरा लिखिए यहाँ पर कि आपका कौन सा एड्रेस है और पॉपुलेशन वहाँ की, जो नया एड्रेस आप यहाँ पर भर रहे हो। उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स ऑफ पेरेंट्स, गार्डियन एंड ब्रदर, सिस्टर वगैरह, जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है
जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, एज कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है उनकी, ऑक्यूपेशन क्या है इस टाइम, तो ये सारा। तो जैसे फादर नेम भरा तो एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम जो है वो सारा कुछ यहाँ पर आपने इसमें इन कॉलम्स में भरना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल इन्होंने कुछ पूछा नहीं है। फिर है पेरेंट्स अलाइव की, अगर जो पेरेंट्स हैं आपके हैं या नहीं हैं इस टाइम, तो वो आपने जो भी है आपके साथ उस हिसाब से भरना है। और अगर नहीं है तो उस टाइम आपकी एज कितनी थी जब जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हुई थी, जो भी था। फिर है आपकी ऑक्यूपेशन कितनी है, कैंडिडेट ऑक्यूपेशन, यानी कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है इस टाइम, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टडी कर रहे हो, वो यहाँ भरना है आपने। इनकम कितनी है आपकी पर मंथ, एंड डेजिग्नेशन क्या है, किस पोस्ट पर आप बैठे हो इस टाइम, और डिपार्टमेंट कौन सा है। क्योंकि मैक्सिमम जो भी यूपीएससी के टेस्ट होते हैं तो स्टडी तो लास्ट में ही हम स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम तक कॉलेज वगैरह छोड़ दिया होता है, कोई ना कोई वर्क हमारा जरूर होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आपका स्टडी हो सकता है, ये मत लिख देना कि फ्री बैठे हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिविटी हो गई वहाँ पर। तो कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन जरूर लिखना है यहाँ पर, डिपार्टमेंट कौन सा है वो लिखना है यहाँ पर। फिर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल में स्टार्ट करते हैं मैट्रिक से। तो मैट्रिक से आपने याद रखना है हर चीज़ को, और जितना भी आपकी हायर ऑक्यूपेशन है तो ये आपने याद रखना है। इसमें आपने जस्ट क्या लिखना है कि स्कूल कौन सा था आपका, और किस सिटी में था वो, विलेज किस में था, मतलब नियर बाई कौन सा प्लेस था, एंड बोर्ड कौन सा था। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ये लिखना है आपने, डिवीज़न क्या आई है आपकी, मतलब सिंपल सिंपल जो मार्कशीट पर दिया ही होता है। फिर आपने कॉलम में यहाँ पर भर देना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए थे और उसमें कितने परसेंट आए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसके, आपके कितने आए, इस तरह से ये नॉर्मल सी चीज़ें। और टोटल करके भी लिख देना है यहाँ पर हर चीज़ को, यानी कि पूरी मार्कशीट का डाटा यहाँ पर आपको भरना होता है। ट्वेल्थ में भी बिल्कुल सेम यही होगा, एंड फिर यहाँ पर फिर अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में भी आपको वही करना होता है, ग्रेजुएशन में भी हर चीज़ उसी तरह से भरी जाएगी। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि आपने किया क्या है, आपने बीटेक की है, बीएससी की है, बीकॉम, बीए, जो भी आपका किया हुआ है आपने कोर्स है, एंड ब्रांच कौन सी थी आपकी। बाकी सारा सेम है, आपको यूनिवर्सिटी देनी होती है अपनी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, और परसेंटेज वगैरह, और अपने सब्जेक्ट जितने भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही है, अगर आपने की हुई है तो आप यहाँ पर अपने डिटेल लिखिए कि आपने इस सब्जेक्ट में की है, और जो भी आपके डिटेल थे कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये सारा लिखना होता है। तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। और हाँ, लास्ट जो कॉलम आता है आपके पास, ये जो है स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़ का, ये आपने बिल्कुल सोच समझ कर भरना है। क्योंकि अगर आपने ये गलत भरा, वैसे ही भर दिया शौक में, तो थोड़ा हो सकता है कि पछताना भी पड़े। जो भी आपने यहाँ भरना है उससे रिलेटेड आपने प्रिपेयर भी अच्छे से होकर जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेनिस भर रहे हो हॉबी में, एक गेम लिख रहे हो टेनिस, तो टेनिस से रिलेटेड, टेनिस जो वहाँ पर फील्ड की बात करें, टेनिस की फील्ड की, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। टेनिस के अच्छे प्लेयर कौन थे उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। टेनिस से रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ होती हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। यानी कि जिस भी स्पोर्ट के बारे में लिखें आप, सोच समझ कर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो उठते हैं इंटरव्यू में यहीं से आते हैं फिर। एंड एक्स्ट्रा कोई आपकी एक्टिविटी है वो भी आप लिख सकते हो। एनसीसी आपने ज्वाइन किया था अगर, क्योंकि फ़ायदा मिलेगा अगर किया था, नहीं किया था तो कोई बात नहीं। अगर किया था तो आपको सर्टिफिकेट कौन सा मिला, कितने टाइम की आपकी ट्रेनिंग हुई, तो वो सारा आपने यहाँ पर भरना होता है। फिर है प्रीवियस अटेंडेंस इन SSB, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप कितनी बार SSB में आ चुके हो। तो नेचर ऑफ कमीशन की, कमीशन कौन सा था, UPSC, SSC वगैरह, जो भी आपका जिस कमीशन से आप पहले आए थे, ये आपकी पास्ट की बात हो रही है। एंड चॉइस ऑफ सर्विस की कौन सी थी उस टाइम आपने, फिर नंबर ऑफ चांसेस की कितने चांस मिले आपको, एंड यहाँ पर आपने चांस वाइज लिखना है कि फर्स्ट चांस में आपकी एंट्री ये थी, प्लेस ये था, डेट ये थी, रिकमेंड हुए, नॉट रिकमेंड हुए या फिर स्क्रीन आउट हुए। बैच नंबर जरूर याद रखना है अगर आप पहले अपीयर हुए थे, कि आपका बैच नंबर कौन था और चेस्ट नंबर कौन था। बैच नंबर तो इजी होता है, फिर भी आपको याद रह जाता है कि मैंने 2017 का दिया था या 1 2017 का दिया था। लेकिन चेस्ट नंबर याद जरूर रखना है आपने कि आपको चेस्ट नंबर क्या मिला था उस टाइम। उस तरह से सेकेंड अटैम्प्ट था, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, अप टू टेंथ अटैम्प्ट जो है आपको यहाँ पर भरने होते हैं। काफ़ी कॉलम दिए जाते हैं क्योंकि रिपीटर काफ़ी होते हैं इसमें SSB में। तो ये सारा आपको PI की फॉर्म है, आपको बड़े अच्छे से भरना होता है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और सबसे मेन जो बात है वो ये है कि PI की फॉर्म जो है ये इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर भरना है इसको। और जो भी आपने भरना है पहले से प्रिपेयर होके जाना है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला कि आप इस चीज़ के बारे में सोचो। तो आई होप आपको हर डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा।
वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपकी यहाँ पर हर एग्ज़ाम के लिए पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।